नमस्कार, मैं संजीव समीर चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की खबरों में स्कूली शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है उसके संबंध में आपको बता रहा हूं। अप्रैल महीने से एक ही क्लिक में 5,25,000 शिक्षकों के खाते पर भेज दी जाएगी राशि। स्कूल के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के सभी निदेशालयों के कर्मियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया अप्रैल से बदल दी जाएगी। एक क्लिप में शिक्षकों को और कर्मियों को उनके खाते में राशि भेज दी जाएगी। शिक्षा विभाग कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम CFMS में ऑफिस एडमिन मॉड्यूल OMA लागू करेगा। विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इससे राज्य के लगभग 5,25,000 शिक्षक और कर्मियों के साथ साथ टीचर ट्रेनिंग संस्थान के कर्मियों को लाभ मिलेगा। सिस्टम लागू होने से 4,600 व्यय और निकासी पदाधिकारी यानी कि DDO की जगह अब 137 अप्रूवर सत्यापित करने वाला लेंगे। अभी 4,000 प्रधानाध्यापक पर ही DDO को जिम्मेवारी है। अभी राशि आवंटन के बाद भी शिक्षकों के खाते में वेतन जाने में 10 से 15 दिन लग जाता है, कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। नए सिस्टम में देरी नहीं होगी। नए सिस्टम को लागू करने के लिए विभाग जिलों के संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाएगा और सिस्टम को लागू करने के लिए संबंधित कार्यालयों में पर्याप्त कंप्यूटर सेट और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी रखे जाएंगे। जिला स्तर पर आंकड़े और रिपोर्ट की अधिकता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी के अधीन एक एनालिस्ट डाटा एनालिस्ट भी होंगे। वे सारे आंकड़ों को जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे और यहां से मुख्यालय भेजे जाएंगे। इस सिस्टम में मॉनिटरिंग पूरी तरह पारदर्शी होगी। इस योजना से राज्य के प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक के 4,40,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे, जिसमें प्राथमिक स्कूलों के 3,19,000 शिक्षक और 77,000 वेतनमान में नियोजित नियमित शिक्षक, उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के 37,000 नियोजित शिक्षक भी लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ 7,000 पूर्ण वेतनमान वाले हाई स्कूल के शिक्षक लाभान्वित होंगे। प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक तक के 4,40,000 शिक्षक हैं, प्राथमिक स्कूलों के 3,19,000 शिक्षक हैं और 77,000 वेतनमान पर नियमित शिक्षक हैं। उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 37,000 नियोजित शिक्षक हैं, जबकि 7,000 पूर्ण वेतनमान वाले शिक्षक हैं। नए सिस्टम से अप्रूवल मिलेगा और उसी के अनुसार पेमेंट किया जाएगा। सिस्टम के लागू होने से मुख्यालय स्तर पर एक निदेशालय के स्तर से 13, प्रमंडलीय कार्यालय स्तर से 9, जिला कार्यालय स्तर से 38, उच्च शिक्षा के स्तर से 10, शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान के स्तर से 66 अप्रूवर नियुक्त किए जाएंगे। तो ये थी आज की प्रमुख खबर। इस तरह के और खबर देखने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।